जंग में अब तक की जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने एक तरह से दुनिया को बुरी तरह से झकझोर दिया था, क्योंकि इस जंग में इसराइल के मशहूर आयरन डोम को गच्चा देने का हमास का फॉर्मूला अब खुल चुका था। सातवें से लेकर दसवें दिन यानी आज तक जंग का भीषण शक्ल और स्वरूप आप देखिए। इसराइल और हमास की जंग के सात दिनों में 15,000 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई, कमांडोज और डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन, बंधकों को छुड़ाने का लाइव ऑपरेशन, बंधकों को कमांडोज ने बिल्डिंग के भीतर से आजाद करवाया। इसराइल और हमास के बीच जंग के 7 दिनों में करीब 15,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इसराइल बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से अपने दांव पेच और हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बीच इसराइल के कमांडोज, जिन्हें डिफेंस फोर्सेस भी कहा जाता है, उनके एक लाइव ऑपरेशन का वीडियो जारी हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि एक बिल्डिंग के भीतर से कुछ बंधकों को कमांडोज ने आजाद करवाया। वीडियो दरअसल बॉडी कैम फुटेज है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करते हुए IDF की तरफ से लिखा गया कि इजरायली सेना ने गाजा सिक्योरिटी फेंस के नजदीक एक बड़ा लाइव ऑपरेशन किया और हमास के आतंकियों के कब्जे से बंधक बनाए गए 250 लोगों को छुड़ाया। और जब यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था, इसी ऑपरेशन में हुई गोलीबारी के बीच हमास के 60 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। इसराइल और हमास की जंग का 8वां दिन, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के परिसर में जमा लोग, उत्तरी इसराइल में सायरन बजाते हुए रॉकेट लॉन्च किए गए, सीरिया से लॉन्च किए गए इसराइल पर रॉकेट, हमले में इसराइल के हवाई अड्डे को हुआ नुकसान। इसराइली रक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार देर रात सीरिया से उत्तरी इसराइल के सीमावर्ती इलाकों में सायरन बजाते हुए रॉकेट लॉन्च किए गए। अलमा में और अवनी इतान में, गोलान हाइट्स में और सीरियाई सीमा के करीब सायरन सुनाई दिए। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति को नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि सीरिया के सूत्रों ने कहा है कि हमले में उसके प्रमुख हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।